Welcome to our channel Sada Mata, the simple recipe with desi tadka by Meera Me. चलिए दोस्तों आज हम बताते हैं एक सिंपल सी रेसिपी. आज जो हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की सब्जी आलू के साथ. देखिए ये हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है. आप बस इसको 5 या 10 मिनट में अपने घर में बना सकते हैं और इसको रोटी या अपने चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी लगभग 2 कप के करीब, आलू 1 बड़ा कटा हुआ स्मॉल साइज में, 1 टमाटर, टमाटर को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, और 4 से 5 मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, हल्दी, मस्टर्ड सीड और नमक हम स्वाद अनुसार ले लेंगे. तेल को गर्म करने के लिए दे दिया है, इसमें हम मस्टर्ड सीड दे रहे हैं. क्रैकल होने देते हैं, इसके बाद हम आलू छोड़ देते हैं. आलू हमारा हाफ फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम इसमें छोड़ देंगे अपना पत्ता गोभी. पत्ता गोभी हमने दे दिया है, अब हम दे देंगे इसमें हल्दी और नमक. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. मिक्स हो गया है, अब हम इसको टमाटर और मिर्च दे देते हैं. इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं. टमाटर हमें पिघल जाने चाहिए. चलिए इसको ढक के हम पकने के लिए छोड़ देते हैं. हो गया है, हम खोल के देखते हैं. अब देखेंगे ये सारा बॉयल हुआ है या नहीं. अगर नहीं हुआ हो तो हम फिर से ढक देंगे और इसको हाई फ्लेम में हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे. पूरा पत्ता गोभी फ्राई हो जाए तो हम इस तरह से देख लेंगे कि पत्ता गोभी और आलू दोनों अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं कि नहीं. लीजिए हो गया है. थोड़ा सा हम चीनी दे देंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब, और एकदम अंत में हम देंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1 पिंच के करीब. लीजिए अब हम इसको सॉटे करके निकाल लेते हैं. तैयार है हमारे पत्ते गोभी की सब्ज़ी. इसको आप खुद बनाइए, हमें भी बताइए आपको कैसा लगा. आपके एक्सपीरियंस, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिए. हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.